खबर शामिल करते हैं पसरूर से, जहां मुल्क भर की तरह फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर पसरूर में भी मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों समेत शहरियों की तरफ से यौम अल कुदस के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। पसरूर में फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए शहरी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी मजहबी जमातों समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनका कहना था कि फलस्तीन में इसराइली गुंडों ने जुल्म सितम और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, निहत्ते और मासूम बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और मर्दों को शहीद किया जा रहा है। रैली के शुरका ने दहशत गर्द इसराइली और अमरीका के हुक्मरानों को वाज़ेह पैगाम दिया है, बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल की आज़ादी तक जंग रहेगी। मजीद अलामा का कहना था कि फलस्तीनी मुसलमान पर ढाए जाने वाले मुजालिम की हम शदीद मजम्मत करते हैं और मौजूदा हुकूमत और आलमी बरदरी से मुतालबा करते हैं कि इन जालिमों के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। आखिर पर रैली के शुरका ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अमरीका और इसराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे।